जब मेरी भेजी हुई रील देखते नहीं हो तो भेजते क्यों? मैं भी क्यों देखूं? मैं भी हटा दूंगी, मैं भी क्यों देखूं? पति को ऐसा करना चाहिए, पति को वैसा सुनना चाहिए, क्योंकि पति सामने नहीं सुनता तो पति को रील देनी चाहिए। तो मैं अच्छी रील ही भेजती हूँ, मैं कितनी समझने वाली, पर तुम देखते समझते नहीं हो। मैं भेज रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरी नहीं है। तुम्हें कितनी रील भेजी हुई, 4-5 मिनट सीन भी नहीं आ रहा। मैं नहीं देखती। नहीं देखते तुम सच में? यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। चलो आज इनको आलू के पराठे खाने थे, तो संडे भी है, सबने कहा ठीक है चलो बना देते हैं, तो बनी गए ऑलमोस्ट सारे। हेलो नमस्ते, पहला स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग? हम भी मस्त है। तो आज घर में है, आज कल भी वैसे जल्दी आ गए थे, सैटरडे को आपने लास्ट वाला ब्लॉग देख लिया होगा, तो हम थोड़ा बाहर चले गए थे मूवी वगैरह देखने के लिए। तो अभी तो फिलहाल अभी वो घर में ही है, तो करते पहले हम नाश्ता वगैरह करते हैं। इनको आलू के पराठे खाने थे, इनके पराठे बना रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। वैसे तो आज से कुछ प्लान वगैरह है नहीं, घर में ही है। बट आज का प्लान नहीं है, आज का तो प्लान नहीं है, क्योंकि हमने सैटरडे को प्लान बना लिया था कि संडे को फिर वो नहीं रहती, फिर कहते मेरा पूरा संडे फिर ऐसे ही चलेगा इस वजह से। और को देखो अपना संडे का पूरा आनंद लेते हुए फोन पे लगे देख रहे हैं। अभी इसने खाना बना दिया है, नाश्ता बना दिया है, तो अब मेरे को दे, फिर उसके बाद अभी बोल, मैंने कहा झाड़ू तो लगाओ, पोछा तो मैं लगा दूंगा, तो क्या फिर पंखे साफ करोगी तुम्हें? चढ़ चढ़ के करते रहो। मैंने ये नहीं बोला, तो कुछ तो कर दो ना। मैंने कहा सब हो जाएगा, सब आज मैं पंखे वगैरह भी साफ करने हैं और थोड़ा कैलरी वगैरह। तुमने साफ नहीं करने हैं, तुमने मेरे को उसमें भी पकड़वा रहा है। तो मैंने इतना एक उतना ऊंचा है ये, इतना यहाँ ये इतना बहुत ऊंचा है, पर कुछ ना कुछ यहाँ टेबल लगता है ना कुछ लगता है उसके बराबर। टेबल नहीं लग पाता, पिछले बार हमने साफ कराया था तो उन्होंने मुझे ऐसा उठा के साफ किया करवाया था। करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर रही। नहीं, बोले क्या ना सीढ़ी से करेंगे, तो पंखे साफ करने हैं आज, गैलरी वगैरह साफ करनी है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत वो चीज कुछ तो कर दो, उसके बाद मुझे फिर अपना वही नहाना धोना, फिर कपड़े वगैरह के सारे धोने हैं। पर महाराज तो लगे हुए हैं थोड़ा फोन में, कह रहे तो अभी पहले हम नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। वही टाइम जो है यहाँ पे, एक तो बच्चे का टाइम का पता नहीं चला, तो अभी हमारे जो है 2 कमरे के पंखे तो साफ हो गए हैं, और मैंने अभी इधर मशीन लगा रही, कपड़े धो रही हो, विशु इधर पंखे वगैरह साफ कर रहे हैं। तो अभी हमारा एक कमरा बचा हुआ है सफाई के लिए, जो कि वहां के तो साफ हो जाते हैं इसलिए क्योंकि बेड है, तो फिर वहां पे बेड में चढ़ के हो जाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिलता नहीं है ना कुछ, खाली रहता है मतलब ये लंबा है ना, तो वैसे साफ करना पड़ता है। तो अभी थोड़ा दिमाग लगा के इन्होंने 2 चेयर को ऐसे लगा रखा है बीच में खड़े उसके, तब साफ हुआ है, तब साफ हो रहा है। ऐसी होता शादी के बाद, सब गड़बड़ा जाता है, खास हमारी जिंदगी में नहीं है शादी के बाद, तो गड़बड़ा जाता है शादी के बाद, तो कुछ हमारी जिंदगी में ऐसी खास नहीं है। मेरा संडे तो हमेशा ऐसी कर लेते हो, तो संडे तो होता ही है जो काम, ये सब काम तो मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना चढ़ के, ये तो छुट्टी के दिन ही होगा। जैसे तुम बोलते हो ना, मतलब कि विश्व ये कर दो वो कर दो, मेरा भू जल जाता है का पेट में। ऐसा तो कोई काम नहीं बोलती, तो मैं ये सब काम बोलती हूँ जो वैसे काम होते हैं जो तुम नहीं कर पाती, मतलब कि हाँ ये तो जिसमें जरूरत होती है विश्व कर देगा करके। और क्या पोछा कौन लगाएगा? लगा दो मैंने झाड़ू उधर, नहीं पोछा कौन लगाएगा? पोछा लगा देंगे, काम करते हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ। पोछा कौन लगाएगा? मैं चाहे ऑफ कैमरा ठीक है देख लो भाई, अब ये पोछे की वीडियो नहीं बनाएगी। हाँ तो मैंने झाड़ू क्यों नहीं, मैं सब ऐसे थोड़ी ना, मैं सारे काम की थोड़ी वीडियो बनाती रहती हूँ, कहीं पता लगा साथ भी कहीं, ऐसे मैं सारे काम की वीडियो बनाती रहूंगी तो वीडियो बनाती रह जाऊंगी, फिर तो हो गया काम। नहीं आप साथ जैसे बोलेंगे तो देखेगी, तो क्या और तुम्हारी सास देखी बोलेगी नहीं की कहते कि कितना अच्छा दामाद है मेरा, है बात तो सही है। लॉबी को कॉलिंग लगा दो जी साहब, बढ़िया से कपड़ा लगा दो साफ सुथरा, जान दू मेरी पसंदी। पेट देख रहे हैं इनका।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये आइडिया तुम्हें पहले नहीं करना चाहिए था, एक बार तुमने मुझे कंधे में चढ़ा के किया था है? ये तुम्हें पहले नहीं सोचना चाहिए था। टाइम जो है देखो 5 बजने वाली शाम की और ये अभी नहाए हैं। पोछा अच्छा, हाँ बिल्कुल, इन्होंने पोछा लगाया, यही बोलवा रहे जबरदस्ती वीडियो बना और बोल पोछा लगाया। जी आप जीत गए, आपने पोछा लगाया। ये सब बातें काल्पनिक है, इसे भरोसा ना करे, काल्पनिक है। और क्योंकि मैं कर रही थी वीडियो एडिट करने लग गई थी, उसके बाद भूख लग गई तो हमने थोड़े सैंडविच वगैरह बना लिए। यहाँ पे सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो उसके आलू बचे थे, मैंने आलू सैंडविच बनाए हैं आपके लिए। बिल्कुल चीज भी डाली और आपका ओरिगानो भी डाल दिया। वो वाली मूवी कौन सी थी जो गुंडे वाली देख रही थी? तो हम चाय वगैरह और ये सब खाते उसके बाद। तो दोस्तों अभी हम एक गिफ्ट लेके आए हैं जीएम जी के लिए और उसी जी के लिए, अपने एक शुभ हाथों से जो भेल धुरी वाला हाथ से कौन सा है, सीधे से करते लेफ्टी है ना, तो इसे दूंगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो एक अपने शुभ हाथों से लोगों को, एक शुभ हाथों से गिफ्ट ये दीदी को देंगे, ये गिफ्ट एक बार दीदी को देंगे, ये दे दिया। किस चीज के लिए जा रहा है ये? बहुत बढ़िया, अभी आपको खोल के दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। ये बर्थडे से पहले का गिफ्ट है। ये गिफ्ट तैयार नहीं है, ये तैयार किया जाएगा, हम तैयार करेंगे, हम आपको दिखा देते हैं, हम तैयार करेंगे इसे। ये देखिए, अगर आपके घर में कुछ भी सामान पड़ा है और निकाल दिया, निकल जाता है। क्या निकाल दिया? स्पेस बन गया इसमें, इसमें रुई डालेंगे इसमें हल्की सी और इसमें डाल थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां। अब फिर इसमें क्या रखा जाएगा? इसके अंदर आएगी पतली आएगा दीदी के बर्थडे, पतली गर्दन वाली सुराही वाली अंदर की साइड में दो ग्लास भी आ जाए, ऊपर से ऐसा ढक के फिर नमकीन। सब बता रहे हेलो भाई, अगर आप लोग कैमरा, हेलो भाई, अगर आप लोग घर में भी कुछ सामान पड़ा है जो आपने यूज कर नहीं है तो संपर्क करें, ये सब लेके जाती है यहाँ सब दिया जाता है, लोहे से टीन से ले प्लास्टिक से ले कबाड़े वाले सब दिया जाता है। अगर आपके पास खाली ट्रे है, इवन आपके पास घर में केक आता है, केक का बेस भी है, और अगर किसी के यहाँ टूटी हुई कुछ प्लेट हो कुछ हो तो दीदी को दे देना। बाबू बता दो केक का बेस, केक का बेस उसका क्या? 50 पैसे, 50 पैसे में 50 पैसे हाफ के जी। किस चीज का? बेस का, बेस चाहिए ना। और चाटी हुई पन्नी जो केक की साइड में लगी होती है वो मिले तो और भी बढ़िया। वो कितने रुपए की? वो 1 रुपए में था दीदी। बाबू आप तुम ना वो ट्रांसफॉर्मर के दिखाना है इनको, फिर तुमने क्या बना दिया तो नीचे तो वो छोटी छोटी तुम बेच दो 1-1 रुपए में। ये हमारी कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, इसकी गली बहुत तबाह है, कॉम्पिटिशन में वही दुकान दिला है। वहाँ मिल जाएंगे जैसे आप साल लाता था हमारे में तो कबाड़ जी, देखो शुरू में तो कबाड़ रखने के लिए सामान चाहिए था हमारे बेस में, बहुत दिखाने के लिए दुकान आ जाएगी। और वही निकाई है हमारे, ये भाई साहब ले जाओ बाहर निकल के, बाहर दो लड़के जितना साफ जाएंगे एक दोनों साइकिल तो मिल भी गई, साइकिल भी। भाई साहब मेरी बात सुनो, फिर आप जाके देखेंगे साइकिल। ऐसे थर्ड फ्लोर की टट्टी में पानी डालते इसके यहाँ से निकलती है। हेलो प्रीति, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ तो टॉयलेट में मत आइए, पानी में डाल चाचा भी तो कह रहे हैं जब तू वॉशरूम जाता है ना तो मेरे को सबको मिस कॉल मार दिया कर मैं जा रहा हूँ। मैं कब परसों चिल्लाया था तेज, मैं पानी किसने डाला, मैंने मना कर रखा है, भूल के डाल दिया होगा पानी, अब इनका पुष्पा चाचा आवाज भी नहीं मार दी है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? मैंने मना चाचा कह रहे मैं तो योगा कर रहा हूँ, चाचा
अरे मैं योगा करके आ रहा हूँ, क्या हो गया तू? मैं कह रहा क्यों चिल्ला रहा है? मैंने कहा पानी डाल दिया चाचा, मैं तब से मना करता हूँ ये वो ऐसे करके मैं आ गया। मैंने कहा मैं तो पूछा चाची ने डालो, मैंने ऊपर फोन करता हूँ, मैंने फोन भी उठाया तो मैं दोबारा चाची को मैंने वो फिर मैं छोड़ दिया। चाची को आप इसको क्या करा? मैंने तो पानी डाला। कहीं हो मैंने क्यों डाला चाची तुम्हें पानी? मैंने कहा मैंने उसके पूछा चाची को समझाया, मैंने कहा पानी में डालो तो ऊपर वैसे कनेक्शन खराब है। फिर क्या हो गया? क्यों हो? मैंने कहा तुमने प्रेशर से पानी डाला, मैं कर रहा था भरा गया। अरे भाई घूम 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 वो पूरा आ गया ऐसे करके पूरा शील में। पहली बात तो पॉट को जगा विशो, मैं बैठा हुआ तुमने साफ कर दिया। मैं बैठा हुआ सुन, मैं बैठा हुआ मैं ऐसा हो गया और फिर मैंने ऐसे लड़का खोल गया, फिर मैं ऐसे हुआ। पहले तो बाहर उसकी जगह ही नहीं मिली। पहले बात तो बताओ तुम पॉट में बैठे को जगह ही नहीं मिलेगी बाहर आने की, इतना सारा पॉट है वो। और पता सी जहाँ से निकाला वही ले जाए करके नीचे चले गया। ये क्या चिल्ला रहे? मेरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? सारा जहाँ से निकाली ना वही लेके जा रहा है। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं जब जब करता हूँ ना मेरे को उस वक्त के डर मोड़ रहता था। मेरे को ज्यादा चाची ही डाली पानी, क्योंकि चाची को मेरे को डाल दिया था, वो डाल देती है। चाची मत डालना, दो बार हो गया मेरे साथ। चाची एक काम करते हैं, प्रैंक प्रैंक वीडियो बनाते हैं। सुन तो ठीक है, दिक्कत नहीं चाची को बोलना, टंकी में डालो। मैंने सुन भाई कुछ सुनो, सुन मैंने लगता मत डालना। मैंने कहा चाची मैंने कहा रात को 10-11 बजे डालो, मैंने कहा कोई भी दिन में आके बैठेगा तुम कर दो, बेचारा सही खराब हो जाएगा।